अविवादित नामांतरण बंटवारा और सीमांकन के प्रकरण 3 महीने से अधिक पेंडिंग न रखे। यदि एक भी प्रकरण मिला तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ इस अंदाज में कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने डायवर्जन और लीज वसूली प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। लंबे समय बाद गुरुवार को इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। सबसे पहले उन्होंने डायवर्जन वसूली की जानकारी ली। जिले को 120 करोड़ की डायवर्जन वसूली का लक्ष्य मिला है। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के बड़े बकायेदारों को टारगेट कर वसूली करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नामांतरण बंटवारा सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। अविवादित नामांतरण बंटवारा और सीमांकन के प्रकरण 3 महीने से अधिक पेंडिंग नहीं रहने चाहिए, जबकि विवादित प्रकरणों का भी समय सीमा में निराकरण हो। देखिए, आज सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी और उसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी जनता के जो काम है वो सहूलियत से होने चाहिए, बार बार किसी को चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े। और ख़ास तौर पर कोई भी जो ये मीडिएटर्स टाइप वाला सिस्टम चलता है उसको पूरी तरीके से 100% तरीके से बंद किया जाए, सीधे जनता से मिलके उसके काम किए जाएं। जो अविवादित नामांतरण है, अविवादित बंटवारा है और सीमांकन है, इन तीनों के कोई भी प्रकरण 3 महीने से ऊपर पेंडिंग नहीं होने चाहिए। किसी भी कोर्ट में एक भी प्रकरण ऐसा ना हो, अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा या सीमांकन का, जो 3 महीने से अधिक का पेंडिंग हो। और इसके अलावा जो विवादित नामांतरण या बंटवारे के प्रकरण है वो भी किसी भी हालत में 6 महीने से अधिक पेंडिंग नहीं होने चाहिए। बैठक में डायवर्जन वसूली की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि डायवर्जन बकाया व मांग अनुसार राशि की 100% वसूली की जाए। इस वसूली को मुहिम तक ही सीमित नहीं रखें। डायवर्जन की बकाया वसूली का कार्य नियमित रूप से करते रहें। बड़े बकायेदारों के साथ ही छोटे छोटे बकायेदारों पर भी विशेष ध्यान दें। इसी तरह लीज की राशि भी सभी से वसूल की जाए। जो राजस्व की वसूली है उसको भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जो डायवर्शन की वसूली है और इसके अलावा लीज के जितने भी हमारे प्रकरण हैं उन सभी में लीज रेंट जमा हो जाए, अगर रिन्यूअल करना है तो रिन्यूअल हो जाए, और बड़े बकायेदार खासतौर पर जो हैं उनसे सबसे वसूली हो जाए, ये निर्देश बैठक में प्रदान किया गया। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को बिचौलियों का सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर आमजन के कार्य समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि अपने कार्यों में अपेक्षित सुधार लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, MB News, इंदौर।